मैं बिग बॉस पे चला गया, अरे तो भाई चाचा क्या मैं गोल्डी भाई को भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। आदि भाई ने तो, आदित्य बलियान ने उसे कोल्ड कॉफी गरम करके पिलाई थी, बुला के किसी भोसड़ी वाले ने पिलाई होगी आज तक। कोल्ड कॉफी गरम करके पिलाई थी। हाँ, गर्मी ज्यादा है ना बालियान में भाई, वो आदमी भी गजब चूती है, कोल्ड कॉफी भी गरम करके पी लिया होगा। जो आदमी हार्पिक नहीं सकता तो कोल्ड कॉफी को तो पी जाएगा। उसे पता ही नहीं लगा था, बोलता ये तो टेस्ट आज पहली बार ही देखा। भाई मैं किसी का फेम नहीं खाता, आदर चोदो पैर के नीचे लाता हूँ मैं लोगों को, समझे? जब अरमान का अकाउंट उड़ा है ना व्हाट्सएप का, आदर चोद की गांड फट गई, रील डालनी पड़ी बाप के लिए, मेरा देखो यार व्हाट्सएप क्या होता अकाउंट है, हैक हो चुका है। मैं व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि देखो, भगवान को मांगने, भगवान को मानने वाले बहुत लोग होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, पर शैतान को मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं, जो हरामी लोग होते हैं। तो इसलिए पनौड़ी भाई शैतान है भोसड़ी के, और उन लोगों को तुम लोग भगवान मानते हो, और अभी कलयुग चरम है तो यहाँ पे शैतान जीत रहा है यार। तो तुम लोगों को पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान को जिताना चाहिए। बाबा देखो यार, आईडी उड़वाने में ज्यादा खर्चा होता है पनौड़ी भाई क्या? ये आईडी उड़वाने में, अरे चाचा ये आईडी उड़वाने में मैं पैसे बोलूंगा ना, छोड़ो मुझे बोलना नहीं है, विश्वास नहीं होगा आपको, छोड़ो यार विश्वास नहीं होगा। 8 मिलियन की आईडी थी चाचा, 8 मिलियन की। अच्छा आप एक बात बताओ अरहान भाई, अरहान भाई 3 मिलियन, अरहान भाई 3 मिलियन, अरहान चाचा एक बात बताओ, इतने लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई ये आईडी उड़ाना है, ये उड़ा दो, क्यों एंटरटेन नहीं करते, क्यों पैसा नहीं लेते उनसे? क्योंकि मालूम है ना, कोई बंदे की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसलिए नहीं बोला जाता कि भाई हाँ इतना लगेगा उतना लगेगा। यहाँ की कोई सब्जी वब्जी बेचने थोड़ी बैठा है आदमी की यार, भाव कर लो तोल कर लो। राइट, 8 मिलियन तो वो मेरा दिमाग में घूम रहा है, नेक्स्ट टारगेट है ना, वो घूम रहा है मेरे दिमाग में। हाँ भाई उसकी 3, भाई मैं तो बोलता हूँ 10 मिलियन की भी क्यों ना हो आईडी, चाहे कोई भी आईडी हो। अब चाचा मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, लिख के रखना, अब जितने भी ये बड़े बड़े ये मादरचोद बड़े बड़े ये जो हरामी लोग है ना, सब लोग रील बना बना के डालेंगे कि मेरा अकाउंट को ये हो गया, मेरे व्हाट्सएप की माँ चुद गई, मेरा उसने ये भाई इन सब लोगों को, मादर चोदों को पकड़ पकड़ के मैं मारूंगा, ठीक है? और ये ब्लूटिक का बहम मत पालो यार कि ब्लूटिक होती है तो कोई बचा लेगा, कुछ होगा। इतने में तो उठ जाएगी पनौड़ी भाई, एक बार उड़वानी है मुझे भी। अमिताभ बच्चन तो नहीं बना है नोट में कैसा? अमिताभ बच्चन तो नहीं बना है तो उड़ जाएगी। अरे वही पूछ रहा हूँ, अमिताभ बच्चन तो नहीं बना है? अरे चाचा आईडी बताओ किसकी है, तुम्हारे लिए मैं फ्री में करवा दूंगा। इसकी पुनीत की दोबारा उड़ानी है जब आ जाए फिर से, मैंने अनफॉलो करा पक्का, तभी तो मजा, क्या डबल सिक्स नहीं लगता मजा? चलो अब मैं तुमको डबल का ही है ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन सुनो तुम्हें एक बात बताओ, एक नया जादू दिखाओ पनौड़ी भाई। हाँ दोबारा उड़ाने का मजा ही डबल है, वो व्हाट्सएप वाला जादू दिखाइए पनौड़ी भाई, बिजनेस को डाउन करके। मैं वही बोल रहा हूँ चाचा, मैं तुम्हें मतलब ये तो उड़ा दूंगा, चलो प्रॉमिस किया है तुम्हें, इस मादर चोद की फिर से आईडी आने दो, फिर से उड़ा दूंगा मैं, लेकिन उसके अलावा तुमको एक नया जादू पहले देखूंगा, मुझे फॉलो करेगा तो फिर सही है, फिर मत उड़ाना। ये मादर चोद को इतना घमंड आ गया था चाचा, इतना घमंड कर रहा था ये बहन का लोड़ा, गोल्डी भाई कौन फॉलो कर दिया इसने सोचो? अरे दीपक कलाल को कर दिया, तुम गोल्डी भाई की बात कर रहे हो? और सुनो हरामी, तेरे लिए जो फंड है ना, ये पूरा फंड अमेरिका से ही गया है, समझा? तो तू नहीं जीत पाएगा भाई हमसे। अरे चाचा 4-5 अमेरिकन लोगों को इसने कल्पा दिया था, इतना घमंड कर रहा था, ठीक है? वैन चौथ कॉन्ट्रैक्ट आया, बोला कि ये है ये वो, मैंने बोला भाई वैन चो बोलो ये डॉलर्स ग्रीन
यूटिलिटी बिल में बोलो, बैंक जो बोला अरे पैसा अकाउंट में मैं और ये चाचा रास्ते आपको पे। एक अंदाजा देता हूँ, एक अंदाजन देता हूँ चाचा आपको, 3 लाख की जी आईडी जी का, 3 लाख हाँ की आईडी का मार्केट रेट चलता है $2,000, मतलब जी 1,60,000 के ऊपर सिर्फ 3 लाख फॉलोअर वाली आईडी उड़ाने का। वाह सही। लेकिन भाई मजा भी तो 6 लाख का आता होगा के, पैसा बात कोई और ऐसे ये है जो देखो आप लोग बोलते हैं ना वीकेंड का कैसा खेला, हो रहा है वीकेंड का वो खेला, कैसा वीकेंड का रहा खेला, वीकेंड का खेला, वीकेंड का वो। खेला, ये व्हाट्सएप उड़ा देना, ये उड़ा देना, ये मजाक नहीं है बहनचोद, पैसा खर्च होता है। अगर ये लाइव चल रही है ना तो 700 रुपए का ब्लू टिक लेके पनोड़ी भाई कभी भी बैठ सकते थे, 700 रुपए का ब्लू टिक लेके, पर मैंने जहां पे चाचा लिया लाल। ब्लू टिक। अरे भाई इंस्टाग्राम वाले पागलों के भोसड़ी ने मुझे भी ऑप्शन दे दिया तो ब्लू टिक अरे का। चाचा ब्लू टिक भाई, चाचा मैंने लिया ब्लू टिक। ये ब्लू अरे टिक क्या लौड़ा, मैं जो ये ब्लू टिक वाले नहीं मेरे पैर पकड़ेंगे, भाई ब्लू अभी तो बैन टिक कर देते लेकर इन अपने लोगों आप की। को कमजोर दिखाना कि हम कमजोर हैं, हाँ कमजोर आदमी की पहचान है ब्लू टिक लेना। हाँ ये राज ने भी दिए थे मुझे $2,000 इसके आईडी उड़वाने में। पनोली ये राज जो था ना भाई एक यूएस बात बुरेलो, बोलो, इसका भी फंड था मेरी $2,000 आईडी, डॉलर्स इसने भी दिए थे। हाँ मेरी इसने भी आईडी में दिए तो थे। 20-25 डॉलर में ही उड़ गई होगी मेरी तो। मेरी में कितना खर्चा आया था, आप भी बीस तो मजे में पच्चीस में उड़ा ही दिए हो गया होंगे। होगा काम। अरे चाचा आपकी तो वो उसमें उड़ी, क्या बोलते हैं उसको, वेंचो कॉम्प्लीमेंट्री में, आप जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री अमेरिका सॉरी, चार्ज नहीं लगता एक के साथ पनोड़ी एक, क्या एक के साथ एक फ्री आपका, ऑफर भी आता है आप क्या? आपका मतलब आप ये जो जैसे का मैं चाचा आपको व्यवहार में बता, उड़ जाता है, व्यवहार में पनोड़ी भाई के। क्या है यार हाँ भाई, मतलब चाचा ये 10-15-20 हजार 25 हजार वाली जो आईडी होती है ना, वो तो मतलब ये बोलते हैं कि माँ चोद दो भाई, इतना बिजनेस किया है तुमसे तो दे दो 4-5 ऐसी आइडिया, साथ में खत्म कर देते उन लोगों को। भाई जिस टाइम आईडी उड़ती है ना, तो बंदा जब उसे खोलता है जिसकी आईडी होती है, समझो चांद पे घूम आया ऐसा हो जाता, हाथ मार रहा हूँ बहन। उड़ाने वाले ही फोन कर रहे हैं, चाचा 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 पासवर्ड दे दे अब हम ना जो दे। चाचा देखो मैं आपको बताता हूँ जो पेन आपको हुआ था। चलो आपकी तो 13,000-14,000 की आईडी थी, अब सोचो वो हाँ बंदे की तीन मिलियन बिल्कुल की आईडी उड़ी है, उसकी एक एक सेकंड एक एक मिनट कैसे कट रही होगी सोचो। बिल्कुल भाई, चाचा वो नहीं कितनी है पोस्ट उसने जो किए आईडी थे, बनाई है कितनी अपनी। पोस्ट देखो किए अपनी आपने, कितनी पोस्ट किए थे टोटल? 27 बंदे ने 27,000 पोस्ट की थी, 27,000 भाई पोस्ट। भाई वो पोस्ट सब कुछ छोड़ो, जो वो नालों में लेट लेट कर उसने फॉलोअर्स कमाए, हाँ तो यार कोई ओ फर्क नहीं पड़ता ये भाई, बात है जो तो है। तुम टट्टी खा के फॉलोअर बढ़ाओ या तुम नालों में लेट जाओ कोई फर्क नहीं। देखो चाचा एक ही हिसाब है भाई, जब मेरा मन होगा मुझे लगेगा कि भाई ये बंदे के साथ मुझे कांटेक्ट करना है, अगर उसने कोई भी ऊपर नीचे का की कू की किया ना भाई, मैं मां चोद दूंगा और तुम लोग मेरा जाटका बाल फाड़ के दिखा दियो। अच्छा वो उसमें मैं उसकी क्या तो कहते हैं नई आईडी में गया, देखा वहां पे कमेंट पड़ रहा था, वहां पे लोग क्या कमेंट कर रहे थे, एमसी स्टैन आर्मी, एमसी स्टैन आर्मी। लोग एमसी वहम वह स्टैन की आर्मी एमसी स्टैन आर्मी, मतलब वाह। चलो ठीक है भाई, एमसी स्टैंड ने उड़ाया, ऐसा रोको, हमारे बाप का क्या जाता है, एमसी स्टैंड ने उड़ाया क्या है, उसने उड़ाया ऐसा रोको। एमसी स्टैन को आंड का पता, उसे सिर्फ लौंडियाबाजी का पता, उसे अरे कुछ मैं तो पता ये भी नहीं। बोलता हूँ, मैं तो एमसी स्टैन को बोलता हूँ कि मुझे गाली दे के दिखा, फिर देख तेरी हालत क्या करते हम लोग। हाँ बहन के लौड़े की उसकी भी उड़ा तो ज्यादा ही हीरो बन रहा है, अरे कोई कभी अब चाचा तक किसी ने कोई उड़ाई। बड़ा नहीं है, कोई कोई मतलब के ये जो रोड से उठे हुए है ना, ये जितने भी 2 कौड़ी के इंस्टाग्रामर जो रोड से उठे हैं, मतलब के इसमें तुम अरमान मलिक ले लो, उसमें तुम ये एमसी स्टैंड ले लो, या चाहे ये बिग बॉस में जितने भी गए ना सब लोग ले लो, कोई वैल्यू कोई औकात नहीं है उन लोगों की। चाचा जीवन में एक चीज बता देता हूँ आपको, और इंटरनेट में एक चीज बता देता हूँ, 100% खरी चीज बता देता हूँ, आपके जेब में पैसा है तो दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा
दुश्मन हो, जेब में पैसा होना चाहिए, जेब में पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, फॉलोअर वाला भी गाड़ मार, दुश्मनी महंगी की चीज होती है, मुझे ये बताओ, सब लोग ये बोल रहे थे वो कीर्ति पटेल की 1 मिलियन की आईडी थी, सब लोग बोल रहे थे ना कि नहीं उड़ सकती, नहीं उड़ सकती, नहीं उड़ा दी थी ना भाई उसकी आईडी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिसको गांड मारने का शौक हो उसे लंड जेल में रख के चलना पड़ता। सब लोग बोल रहे थे कि भैया नहीं उड़ सकती, नहीं कुछ हो सकता, ये होने 5 और दिए थे ना उसकी भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात है पनौड़ी भाई, तुम्हें एक बात रियलिटी बताऊं, जो चीज अपने ऊपर गुजरती है उसका सही पता होता, जो पहली आईडी का मजा होता है ना और वो उड़ जाए वो जिंदगी में भी नहीं आता। ये तो खाना पूर्ति के लिए कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू लंड की फेस वैल्यू कुछ नहीं है, साले कलप कलप का कहते हैं कि फेस वैल्यू लोड़ा वैल्यू है, कोई नहीं पहचानता, आईडी की ही पहचान है, आईडी की ही पहचान है बस। जिसकी आईडी उड़ती है, मैंने अपने जीवन में इतनी आईडी देखी उड़ती हुई, जिसकी आईडी उड़ती है वो बंदा उतने फॉलोअर्स कभी भी रीच नहीं कर पाता है दोबारा, एक बार आईडी उड़ने के बाद नहीं कर पाता। नहीं हो पाता भाई। अब फेक फॉलोअर्स ना डलवा लो आप। सुनो अरे इंसान भाई, पहली वाली आईडी से लाइव चलाता था अकेला, ऊपर रहता था 200 बंदे कर देता था, इससे लोड़ा 10-15 आते हैं वे भी भग जाते हैं। अरे भाई चाचा नहीं होता भाई, चाचा तुम्हारी आईडी का और पासवर्ड है तुम्हारे पास? अरे नहीं पनौड़ी भाई, मुझे क्या करना है, लाओ दे दो, मजाक नहीं कर रहे, दे दो आईडी पासवर्ड दे दो, मुझे मालूम है मुझसे पनौड़ी आईडी पासवर्ड दे दो, आईडी चाचा अच्छे मूड में हूँ, दे रहा हूँ आईडी, आपका आईडी पासवर्ड दे देना इसको, आपकी आईडी आपको 3-4 दिन में मिल जाएगी, आ जाएगी दे दो आईडी पासवर्ड। चलो दे दूंगा, लेकिन उस आईडी का इतना बलात्कार हो गया लोगों ने ले लेके इतनी उसके गांव में उंगली कर दी है, पता ना उसका रेप ही हो गया। नहीं, कभी भी किसी को भी होता, बकरी को भी मैंने ऑफर दिया था कि बकरी तेरी आईडी आ जाएगी, पासवर्ड अपना दे देना, आईडी आपकी आ जाएगी। सही, बकरी को भी दिया था ऑफर, बकरी वो एक लविसा एंजल करके एक लड़की है ना, छोटी सी बच्ची पनौड़ी भाई के साथ आती थी। हाँ, उसका भी तो वो, उसकी भी आईडी उड़ी थी। हाँ उसकी आईडी भी उड़ी थी एज के चलते, पनौड़ी भाई ने बोला था कि देख लो यार इसका हो जाए, तो उसकी 5 मिनट में आई थी आईडी वापस, 5 मिनट में। हाँ उसके मतलब बेचारी छोटी लड़की है यार, इतनी छोटी सी लड़की की बेचारी मेहनत करती है। तो चाचा आपका आईडी पासवर्ड दे देना, आपका आईडी आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और हाँ अब भैया ना एक बात बताऊं तुम्हें पनौड़ी भाई, हाँ। हम भी इतने चूतिया ना, अगर 4 दफे तुमने लाइव पे बिठा लिया तो वही आईडी हो जाएगी ये भी। अरे वो तो है, लेकिन वो भी आपकी आईडी है, अभी गई नहीं है, आप आईडी पासवर्ड दे देना, हो जाएगा आपका। अरे तो लगता है 1 साल हो गए होंगे पनौड़ी भाई, 1 साल हो गए होंगे इनकी आईडी उड़े, कितना टाइम हो गया? हाँ ज्यादा ही हो गया, 1 साल से भी ऊपर आ गया, अपना माल आ गया।